इंग्लैंड के विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज टॉम बेंटन ने विटालिटी ब्लास्ट में केंट के खिलाफ मुकाबले में कोहराम मचा कर रख दिया। उन्होंने 47 गेंदों पे आतिशी शतक जड़कर अपनी टीम समरसेट को एक तरफा जीत दिला दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए केंट ने निर्धारित ओवर में 8 विकेट पर 168 रन बनाए। जवाब में समरसेट ने बेंटन और डेवॉन कॉनवे की आतिशी बल्लेबाजी के दम पर 26 गेंद पहले ही 10 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया। बेंटन ने 51 गेंदों पर 107 रन की और कॉनवे ने 44 गेंदों पर 51 रन की नाबाद पारी खेली। बेंटन ने अपनी पारी में 8 चौके और 7 छक्के जड़े, यानी उन्होंने अपनी पारी में 74 रन तो 15 गेंदों पर बाउंड्री लगाकर ही जोड़ लिए। केंट के मैट मिलने सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए। उन्होंने 1.4 ओवर में 24 रन लुटा दिए। केंट की तरफ से सबसे ज्यादा 39 रन सलामी बल्लेबाज जैक क्राउली ने बनाए। क्राउली ने 32 गेंदों पर 3 चौके और 1 छक्का जड़ा। समरसेट के लेविस गोल्डवर्थली ने 27 रन पर 4 बड़े विकेट लेकर केंट को मुश्किल में डाल दिया था। बेंटन इस टूर्नामेंट के शुरुआती 4 मैचों में पूरी तरह से फ्लॉप रहे थे। उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे, लेकिन केंट के खिलाफ टॉम बेंटन ने 47 गेंदों पर शतक जड़कर कोहराम मचा कर रख दिया। आपको बता दें कि टूर्नामेंट के 5वें मैच में उन्होंने अपने रनों का सूखा समाप्त किया और हैम्पशायर के खिलाफ 77 रन की पारी खेली थी और अब उन्होंने नाबाद शतक जड़ दिया। बेंटन ने हैम्पशायर के खिलाफ 37 गेंदों पर 8 चौके और 5 छक्के लगाकर 77 रन की पारी खेली थी। बेंटन ने इंग्लैंड की तरफ से 6 वनडे और 9 टी20 मैच खेले हैं। वनडे में उन्होंने पिछले साल ही डेब्यू किया था, जबकि टी20 में 2019 में कदम रखा था। उनके नाम इंटरनेशनल वनडे में 134 रन और टी20 क्रिकेट में 205 रन है। ऐसे में आप भी इस खिलाड़ी पर अपनी राय जरूर रखिए। साथ ही जुड़े रहिए हेडलाइन स्पोर्ट्स के साथ।